करते हैं तो हालेलुया, यदि आप विश्वास करते हैं तो आप और आपका घराना उद्धार पाएगा, पड़ोसी का नहीं पाएगा, आपका उद्धार पाएगा, आपकी फैमिली उद्धार पाएगी। कैसे? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उत्पत्ति उसका साथ। हालेलुया, मैं आज आपको नूह के परिवार से बात कर बताना चाहूंगी कि नूह के परिवार ने कैसे उद्धार को पाया, नूह कैसा व्यक्ति था। हालेलुया, हमने कई बार पत्रस के विषय में, हमने कई बार पौलुस के विषय में, हमने कई बार सुना है, लेकिन आज मैं आपको नूह के बारे में बताना चाहती हूँ। नूह जो था वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, नूह जो था वो धर्मी व्यक्ति था, और जैसा यीशु मसीह बोलता था वो वैसा करता था। यीशु मसीह उसको राइट जगह जाने बोल रहे थे, वो लेफ्ट नहीं जाता था, वो राइट में जाता था। जब हम यीशु मसीह की बात मानते हैं तो हमारा परिवार उद्धार पाता है, और यीशु मसीह जैसा बोलता है अगर हम वैसा करते हैं तो हमारा परिवार उद्धार पाता है। परमेश्वर ने जैसे से जैसे उसको गाइड करा वैसे वैसे वो चला। यीशु परमेश्वर ने उसको जहाज बनाने के लिए बोला, उसने जहाज बनाया। ये जहाज किसको दिखाता है? ये जहाज कलीसिया को दिखाता है। वो अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है, वो अपनी कलीसिया को तैयार करने, उसकी कलीसिया नष्ट ना हो, इसलिए परमेश्वर चाहता था कि नूह जहाज बनाए। और परमेश्वर नूह को क्यों 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 चुना? और भी लोगों को चुन सकता था, लेकिन एक परमेश्वर का प्लान था। इस पूरी सृष्टि में, इस बाइबल में दो ही व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, पहला जो है वो हनोक और सेकंड जो है वो नूह। हालेलुया, नूह और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, और हनोक की डेथ तो आसान वाली डेथ थी, उसको पता ही नहीं चला उसकी मृत्यु कब हो गई। परमेश्वर ने उसको लोप कर लिया, मतलब परमेश्वर ने उसको उठा लिया। कितनी अद्भुत बात है, परमेश्वर यहाँ पे नूह की गवाही देता है, परमेश्वर यहाँ पे नूह के बारे में बताता है। क्या आज आप चाहते हो कि आपका नाम भी इस बाइबल में हो? क्या आज आप चाहते हो आपका नाम भी इस बाइबल में हो? तो हमें नूह के जैसे जीवन शैली को पढ़ना पड़ेगा। नूह ने कैसे डिफिकल्टी में अपनी फैमिली को बचाया, अपने घराने को बचाया, कैसे बचाया? परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए। नूह विश्वास में कमजोर नहीं था, नूह विश्वास में मजबूत था। स्थिति आई होगी, कंडीशन आई होगी, समस्या आई होगी, डिप्रेशन आए होंगे, लेकिन उसने अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। यदि आज आप चाहते हो कि आपकी फैमिली बचाए, आपके घराना बचाए, आपके परिवार बचाए, तो आज आपको नूह की स्टोरी को पढ़ना है कि परमेश्वर नूह के साथ कैसा चलता था, परमेश्वर नूह से कैसे बात करता था। सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका छठा उसका नौ, हम उसकी वंशवाली पढ़ेंगे, वंशवाली पढ़ेंगे कि वहां पे नूह क्या है, नूह हुए कौन। यहाँ से नौ से पढ़ेंगे, छह उसका नौ। नूह की वंशावली यह है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष। क्या था नूह? नूह एक धर्मी पुरुष था। कैसा पुरुष था नूह? एक धर्मी पुरुष था। चंद्रिका ले लिया, चंद्रिका। नूह एक धर्मी पुरुष था, नूह एक धर्मी पुरुष था। हाँ, आगे। और अपने समय के लोगों में खरा था, अपने समय के लोगों में खरा था। वो दूसरों के जैसा नहीं था कि दूसरे झूठ बोल रहे, दूसरे निंदा कर रहे, दूसरे झगड़ा कर रहे, दूसरे विरोध कर रहे, वो वैसा नहीं था। नूह एक खरा व्यक्ति था, परमेश्वर की नजर में बेस्ट था, परमेश्वर की नजर में वो बेस्ट व्यक्ति था। उसमें कोई फॉल्ट नहीं था, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं था, उसमें कोई भी गंदगी नहीं थी, क्योंकि नूह एक खरा व्यक्ति था। हाँ, और एक खरा व्यक्ति ही परमेश्वर के साथ खड़ा रह सकता है, एक खरा व्यक्ति परमेश्वर के साथ चल सकता है। नूह की वंशवाली यह है कि सबसे पहले तो नूह एक धर्मी पुरुष था, और अपने समय के लोगों, उसके फ्रेंड सर्कल, उसके रिलेशनशिप, उसके आस पड़ोस के लोगों में से वो अलग हटके था। जब हम मसीह में आते हैं, हम अपने लोगों जैसे नहीं हो सकते कि उसको कैंसर है तो हमें भी कैंसर होगा। नूह बिल्कुल अलग था, क्योंकि नूह तो खरा था, और एक खरा व्यक्ति ही परमेश्वर के सामने खड़ा सकता है, एक खरे व्यक्ति से ही परमेश्वर बात कर सकता है। क्या आज आप चाहते हो कि आपका घराना उद्धार पाए? कितने लोग आज चाहते हैं कि मैं और मेरा घराना उद्धार पाए, मैं और मेरा परिवार उद्धार पाए, मैं और मेरी बहन उद्धार पाए? आप चाहते हो कि उद्धार का दरवाजा आपके लिए खुला रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया परमेश्वर ने नूह एक दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, नूह अलग था, नूह डिफरेंट था। लोग बोलते होंगे, अरे ये नूह तो परमेश्वर का गुलाम है। आज आप लोगों कई लोग बोलते होंगे, तू तो तेरी पति की गुलाम करती है, तू तो तेरी पत्नी की गुलामी है, लेकिन मैं बोलूंगी हम गुलाम नहीं, हम आज्ञाकारी मान रहे, आज्ञाकारिता में है।
हालेलुया। वैसे यहाँ पे परमेश्वर ने नूह से जैसा बोला वो वैसा करता रहा। ये वंशवाली ये है, नूह की वंशवाली ये है। वह नूह धर्मी पुरुष था, सबसे पहले वो धर्मी था। परमेश्वर को क्या चाहिए पहले, सबसे पहले आज हम धर्मी हो। और एक धर्मी व्यक्ति क्या होगा, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। सॉरी, वो अपने समय के लोगों से खड़ा था, वो दूसरों से अलग था, वो दूसरों से डिफरेंट था। दूसरों से बुखार आ रहा था, वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, उसे परमेश्वर बिलीव था। वो अपने घराने से अलग था। हालेलुया, पढ़िए यहाँ पे, नूह की वंशावली यह है। हाँ, नूह धर्मी पुरुष। हाँ, और अपने समय के लोगों में खड़ा था, अपने समय के लोगों से अलग था, डिफरेंट था। हाँ, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह किसी और व्यक्ति के साथ नहीं, नूह संसार के साथ नहीं चलता, नूह मनुष्य के साथ नहीं चलता, लेकिन नूह तो सिर्फ परमेश्वर ही के साथ चलता। परमेश्वर बोलता उठ तो उठ, परमेश्वर बोलता बैठ तो बैठ, नूह ऐसा चलता था। हालेलुया, हालेलुया, नूह ऐसा चलता था। आज हमें जब परमेश्वर जैसे चलने के लिए बोले, परमेश्वर जैसा उठने के लिए बोले, परमेश्वर जैसा बैठने के लिए बोले, हमें वैसा बैठना है। अगर आपके पास भाई बहन पेन और कॉपी है तो अपनी पेन और कॉपी में लिख लीजिए फर्स्ट हेडिंग, यदि मैं विश्वास करूंगी तो मैं और मेरा घराना उद्धार पाएगा। और ये उत्पत्ति 9, उत्पत्ति 6 उसका 9 लिख लीजिए। हालेलुया। अब आ जाइए उत्पत्ति 7, उत्पत्ति 7 उसका 1। तब यहोवा ने नूह से कहा तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। हाँ, यहोवा ने किससे कहा, नूह से कहा। सबसे पहले यहोवा ने नूह से पूछा नहीं कि तू ये वहां जाएगा कि नहीं जाएगा, तू ये काम करेगा कि नहीं करेगा, तेरे से ये काम पॉसिबल होगा। परमेश्वर ने तुरंत उसको ऑर्डर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर ने उसको तुरंत क्या दिया, ऑर्डर दिया है। आज जो परमेश्वर हमें ऑर्डर देता है हमें करना है। मैं बोलूंगी जब गॉड्स ऑर्डर टूटता है तो हर एक प्लान जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया वो सब कुछ टूट जाता है। सबसे पहले हमें परमेश्वर के ऑर्डर को फॉलो करना है। नूह ने परमेश्वर के ऑर्डर को फॉलो करा। हालेलुया, आज हमें सबसे पहले किसी व्यक्ति के ऑर्डर नहीं, लेकिन परमेश्वर का ऑर्डर क्या बोलता है, परमेश्वर क्या बोलता है, सबसे पहले क्या ऑर्डर दिया। और ये लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन नूह धर्मी पुरुष था, नूह खरा व्यक्ति था, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। क्या लिखा है इसके ऊपर वाले वचन में आप पढ़ेंगे, एक मिनट, चंद्री खले लिया, एट पढ़ना, 6-8। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि, यहोवा की ग्रेस नूह पर बनी रही, नूह पर बनी रही। जब हमारे ऊपर परमेश्वर की ग्रेस रहेगी, जब हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा, तो हम जिस किसी को बोलेंगे वो हमारी बात को मानेगा। लेकिन हमारे ऊपर ग्रेस नहीं बनी। आज काफी लोग बोलते हैं परमेश्वर की ग्रेस है, परमेश्वर का अनुग्रह। तो अगर आपके पास परमेश्वर की ग्रेस है तो आपको हर एक काम आसान हो जाएंगे, डिफिकल्टी लाइफ नहीं होगी, लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी, पति सताएगा नहीं, पत्नी नहीं सताएगी। क्यों? हमारे ऊपर परमेश्वर की ग्रेस है। एक बच्चा, एक व्यक्ति, अगर उसको 10 में से उसको 5 आ रहे हैं, हालेलुया, उसको 10 में से 5 आ रहे हैं और उसको ज्यादा मार्क्स चाहिए, तो ये सोचो परमेश्वर की ग्रेस होगी कि मैडम ने उसको 8 मार्क्स दे दिए। हालेलुया। या वो 50 मार्क्स में से अधिकतर बोर्ड एग्जाम में 33 पासिंग मार्क्स होते हैं। हाँ, लेकिन वो बच्चा 30 लाया, लेकिन 3 जो मार्क्स होता है वो ग्रेस के तौर पे परमेश्वर ने दिए उसको, वो मैडम ने ग्रेस के तौर पे दिए। हालेलुया। आपने शायद प्रेयर आपकी 2 घंटा चल रही, 3 घंटा, लेकिन जब प्रीच करने आए, जब आप वर्शिप करें, जब कुछ भी काम करना है, आपने सोचा कि मैंने तो प्रार्थना बहुत कम पढ़ी थी, मैंने प्रार्थना बहुत कम करी थी, मैंने वचन बहुत कम पढ़ा था, अब ये मिरेकल कैसे हुई, ये परमेश्वर की ग्रेस हुई है। तो नूह के ऊपर उसकी फैमिली में परमेश्वर ने ग्रेस दिया, ये बोलने की ग्रेस दी, ये बोलने की सामर्थ्य, ये बोलने की शक्ति। क्यों दी? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि धरती पे वही धर्मी है और कोई धर्मी नहीं है, और तेरे जैसे कोई व्यक्ति नहीं है, तेरे जैसे कोई मनुष्य नहीं, क्योंकि तू तो मेरे को भाने वाला जीवन जी रहा है, तू मुझे प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहा है। जैसा मैं बोलता तू वैसा ही करता है।
मैं दाई ओर बोलता तो बाई ओर नहीं जाता, मैं जब बोलता हूँ तुझको ये काम करना है तो वो काम करता है, नू अलग नहीं जा रहा, नू परमेश्वर के प्लान में चल रहा है, नू के ऊपर परमेश्वर का फेवर चल रहा है। देखो जहाज मेरा ना आसान नहीं था, जहाज जब बनाया तो आसान था कि नहीं, आप लोग जहाज में रह पाओगे क्या, आप लोग झोपड़ी में रह पाओगे, नहीं डिफिकल्ट है, उसके लिए भी डिफिकल्ट था, लेकिन जैसे जैसे बोला करा वो गॉड्स ऑर्डर में चल रहा है, जैसे ऑर्डर आया वैसा करा, परमेश्वर ने बोला ये करना, परमेश्वर ने ये बोला ये करा उसने, लेकिन जब गॉड्स ऑर्डर टूटता है हर एक प्लान जो परमेश्वर ने आपके लगे टूट जाएंगे। यदि वो मना करते थे कि मैं अकेला आऊंगा, मैं अपनी फैमिली को लेके नहीं आऊंगा, तो कभी उसकी फैमिली उद्धार नहीं पाती, कभी उसका घराना उद्धार नहीं पाता। यहाँ पे लिखा है परंतु यहोवा की अनुग्रह दृष्टि नूह पर बनी हुई थी, कंटिन्यू बनी हुई थी, जो काम वो करता अनुग्रह था, जो भी काम वो करता उसके ऊपर अनुग्रह था। जब हमारे ऊपर अनुग्रह नहीं रहेगा तो कैसे हमारी फैमिली उद्धार पाएगी, जब हम धर्मी नहीं तो हमारी फैमिली कैसे उद्धार पाएगी, जब हम खुद परमेश्वर के साथ नहीं चलते कैसे हमारी फैमिली उद्धार पाएगी, नहीं पाएगी भाई बहनों। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह के लिए मेहनत, ग्रेस के लिए मेहनत, अभिषेक के लिए मेहनत, हर एक चीज के लिए मेहनत करना है। बिना मेहनत करे आप कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे लिखा है परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी हुई, आज जैसे नूह के ऊपर बनी हुई, ये सेम अनॉइंटिंग आपके ऊपर भी बनी रहेगी। से आमेन आमेन आमेन, अगर आप आमेन लिखेंगे आपके ऊपर अनुग्रह आएगा। यदि आपका आमीन ऊंचा नहीं, आपका आमीन हाईली नहीं है, तो आप सोच लीजिए आपका अनुग्रह कितना है। हालेलुया हालेलुया शंदरी हालेलुया बला बला। सेवन पढ़िए, उत्पत्ति 7 उसका 1। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जितने भी उसके घराने में रहते थे, जितने भी लोग रहते थे, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। हालेलुया, ये जहाज में क्यों जाने के लिए बोला है, ये जहाज में क्यों जाने के लिए बोला है। हालेलुया हालेलुया, जहाज में मतलब मसीह लोग जा सकते हैं, सांसारिक लोग नहीं जा सकते। जहाज मसीह को दिखाता है, ये जहाज देह को दिखाता है, ये जहाज आत्मा को दिखाता है। हालेलुया हालेलुया, यदि आप विश्वास करोगे तो आप परमेश्वर का फेवर रहेगा आपके ऊपर, और आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर का ऑर्डर पूरा होगा, लेकिन आप गॉड्स के ऑर्डर को ना तोड़े। आज कितने लोग गॉड्स ऑर्डर को तोड़ देते हैं, मैं बताना चाहता हूं। यहोवा ने नूह से कहा, नूह से पूछा नहीं क्या तू जाएगा, क्या तू ये करेगा, था नहीं पूछा। आज हमें जो काम दिया है वो हमें करना है। यदि हम सच में सेवा करना चाहते हैं, यदि हम सच में मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, तो आप सोचे आपसे पूछेगा नहीं, आपको ऑर्डर ही दिया जाएगा, आपको ये काम करना है। हालेलुया, तो क्या हुआ, उसने जब ऑर्डर दिया परमेश्वर ने, और कितना अच्छा प्यारा ऑर्डर दिया, कितना प्यारा ऑर्डर दिया। शायद उसके अंदर भी यही इच्छा हो रही थी कि मैं विश्वास कर रहा हूं, लेकिन मेरी बहू विश्वास नहीं करती, मेरे बेटे विश्वास नहीं करते, मेरी पत्नी विश्वास नहीं करती, लेकिन वहां पे नूह एक अकेला विश्वास करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया हालेलुया शंदरी खलिलिया बला बला बला, शंदरी खलिलिया बला 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 बला, शंदरी का हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे, तब यहोवा ने नूह से कहा तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। ये तो उसकी मन की बात परमेश्वर ने करी। क्यों मन की बात, उसके अंदर चल रहा अरे मैं विश्वास कर रहा, लेकिन वो घर में एक ही जन मजबूत था, वो एक ही जन विश्वास में था, वो हिला नहीं, वो घर हिला नहीं, वो गिरा नहीं। क्यों, क्योंकि नूह अकेला विश्वास करता था, नूह अकेला बिलीव करता था, नूह अकेला परमेश्वर पे चलता था। आज परमेश्वर ने आपको अकेले बुलाया, तो अकेले ईमानदार रहो। आप क्यों दोष लगाते हो, मेरी पत्नी विश्वास नहीं कर रही, मेरा पति विश्वास नहीं कर रहा, मेरे बच्चे विश्वास नहीं कर रहे, मेरे मदरिला। आप खुद अकेले ईमानदारी से तो चलो। जो आज चलने लगोगे, आप दौड़ने लगोगे, आप दौड़ने लगोगे, आप जाने लगोगे, आप घर में पुरुष जाओगे, परमेश्वर के साथ साथ चलोगे, परमेश्वर जैसा बोलता है, परमेश्वर के ऑर्डर को फॉलो करोगे, तो मैं बोलूंगी परमेश्वर ग्रेस आपके ऊपर रहेगी, परमेश्वर की अनुग्रह रहेगी, और फिर क्या होगा, ऑर्डर नहीं टूटेगा, गॉड्स ऑर्डर नहीं टूटेगा। परमेश्वर ने आपको ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर को फॉलो करोगे,
इग्नोर नहीं करोगे। परमेश्वर बोला जा तू अपने घराने को बचा, तू अपने घराने को बोल, अरे मैं कैसे बोलूं घराने को, अरे मेरी सासू माँ तो ऐसा बोलेगी, अरे मेरी मम्मी ऐसा बोलेगी, अरे भाई मानता ही नहीं मेरी बात, मैं तो बोलती हूँ वचन के बारे में लेकिन सुनते नहीं है। हम धर्मी हैं, हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, हम गॉड्स ऑर्डर को नहीं तोड़ेंगे तो हमारे भी ऑर्डर को कोई नहीं तोड़ेंगे। जब हम बोलेंगे चल तू मेरे साथ जहाज में जाना है, नहीं नहीं आएंगे वो जहाज में, बोल सकते हैं उसके परिवार, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह उसके पास था, परमेश्वर की एक बहुमूल्य चीज उसके पास थी, परमेश्वर की ग्रेस उसके पास थी। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा, तब यहोवा ने नूह से कहा तू अपने सारे घराने, क्या घराने में क्या बस वो उसका पति, वो उसकी पत्नी हुई, उसके तीन बेटे भी थे, उसकी दो तीन बेटे और बहुएं भी थी उसकी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ये बात को समझ रहे हैं। यहाँ पे लिखा तब यहोवा ने नूह से कहा तो अपने सारे घराने समेत जहाज में जाना। हालेलुया। जहाज मतलब मसीह और उसकी देह। परमेश्वर आज हमें ले जाना चाहता है मसीह के पास, देह के पास ले जाना चाहता है, लेकिन हम नहीं चाहते। कलिसिया, ये जहाज कलिसिया को दिखाती है, ये जहाज किसको दिखाती, कलिसिया। लेकिन आज लोग कलिसिया के अंदर एंटर नहीं करना चाहते, आज लोग चर्च के अंदर एंटर नहीं करना चाहते, आज लोग घर के अंदर एंटर नहीं करना चाहते, आज लोग मीटिंग के अंदर एंटर नहीं करना चाहते। Why? क्यों? मैं बोलूंगी आज आपने ये बातों को समझ लिया ना, अब सेम नहीं रहोगे, अब वैसे जैसा है वैसे नहीं लोगोगे आप वही अनॉइंटिंग जो नूह के साथ थी वो आज आप लोगों के साथ नहीं है। आज हमें नूह की जैसे बनने की कोशिश करना है। यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है तब यहोवा ने नूह से कहा तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जाना। जहाज कलीसिया देह, ये परमेश्वर वहां ले जाना, परमेश्वर हमें कहाँ ले जाना चाहता है और हम कहाँ जाते हैं। हालेलुया। यही काफी नहीं है कि बाइबल पढ़ लिया, वचन पढ़ लिया, हमको 8 साल हो रहे हैं, हमको 5 साल हो रहे हैं, हमको 6 साल हमारा घराना, हमें और ज्यादा धर्म बनना है, हमें और ज्यादा परमेश्वर की बात मानना है, हमें और ज्यादा, जब आप ऑर्डर को फॉलो करोगे लोग आपके घराने वाले आपके ऑर्डर को फॉलो करोगे, आपके नेचर को देखेंगे घर वाले लोग, सब सुबह उठ के आपके नेचर को वॉच करते हैं वो लोग, दोपहर में आपके नेचर को वॉच करते हैं, शाम को नेचर को वॉच करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि यार ये चर्च भी तो जा रही है, ये चर्च भी तो, इसके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं है, ये मसीह में आने से पहले भी ऐसा था, ये मसीह में आने के बाद भी वैसा है, तो मुझे क्या फायदा होगा, मैं चर्च क्यों आऊं। यहाँ पे नूह के परिवार ने नूह के नेचर को देखा है, नूह के व्यवहार को देखा, नूह धर्मी पुरुष था, नूह वहां के लोगों से अलग था, डिफरेंट था। आज हमें भी अपने लोगों से अलग करना है, हमें डिफरेंट बनना है, हमें मार्केट में नहीं दिखना है, हमें संसार में नहीं दिखना है। नूह अलग था, नूह अपने परिवार से अलग था, नूह अपने घराने से अलग था, नूह डिफरेंट व्यक्ति था, इसलिए उन्हें देख लिया परिवार वालों ने कि नहीं नूह डिफरेंट है, नूह अलग है, उन्होंने बात मानी और ये परमेश्वर का ग्रेस था, ये परमेश्वर का अनुग्रह। पूरा पढ़ दीजिए। तब यहोवा ने नूह से कहा तो अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों, परमेश्वर ने हर एक को चेक कर लिया, परमेश्वर हर एक का स्वभाव को जानता है, परमेश्वर हर एक लोगों का नेचर को जानता है, इस समय के लोगों, परमेश्वर ने उसके आस पड़ोस को देखा, परमेश्वर उसको देखा, परमेश्वर उसके आस पड़ोस को देखा, परमेश्वर ने नूह को देखा, परमेश्वर ने नूह के परिवार को देखा, परमेश्वर ने नूह को देखा, परमेश्वर ने नूह के दोस्त को देखा, परमेश्वर ने नूह को देखा, परमेश्वर ने नूह की फैमिली को देखा, परमेश्वर ने नूह को देखा कि ये नूह तो अलग है, ये नूह तो डिफरेंट है, ये करता। हालेलुया। आज हमें किसके जैसा बनना है? आज हमें नूह के जैसा बनना है। आज हमें नूह के नेचर को वॉच करना है कि नूह का नेचर कैसा, क्या है। टीचिंग को पढ़ो, बाइबल को पढ़ो, बाइबल को खा लो कि नूह क्या बोलता है, नूह का जीवन क्या कहता है, नूह की जीवन शैली क्या है। ऐसे उसका घराना जहाज में चला गया, ऐसे उसकी पत्नी जहाज में चली गई, ऐसे उसका बेटा जहाज में चले गए, ऐसे उसके सारे लोग जहाज में चले गए, ऐसे लोगों ने उसकी बात मान ली। नो, नूह ने अपने ऑर्डर को पूरा करा जो परमेश्वर ने दिया था। क्या लिखा, वो अलग था, फ्रेंड से अलग था, दोस्तों से अलग था, रिश्तेदारों से अलग था, पड़ोसी से अलग था, पड़ोसी बेकार बोलते वो रिप्लाई नहीं करता, यार परमेश्वर ने देखा कि ये नूह अलग है, ये नूह अलग है, ये नूह कैसा है,
इसको कितना भी इसकी पत्नी कुछ बोल रही है रिप्लाई नहीं कर रहा, इसकी मम्मी कुछ बोल रही है रिप्लाई नहीं कर रहा, इसके बेटे इसकी बात नहीं मान रही है रिप्लाई नहीं कर रहा, इसके पड़ोसी इसको बात नहीं मान रहा कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा, मतलब नू सारे लोगों से अलग है, नू सारे लोगों से डिफरेंट है। हालेलुया, क्या आज अलग दिखना चाहते, क्या डिफरेंट बनना चाहते? अगर आप अलग दिखोगे तो ही आपका घर उद्धार पाएगा। यदि तू विश्वास करे, वो मजबूत था, उसको पता था कि मैं विश्वास करूंगा, मैं डगमगाऊंगा नहीं, मैं हिलूंगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, मैं बुरा नहीं बोलूंगा, मैं भला नहीं बोलूंगा। आज हम बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं, हम बहुत मजबूत है, लेकिन मनी मन में हमारे अंदर गंदगी, हमारे अंदर बिजनेस करने वाले सवाल चलते, लोगों के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था, लोगों के अंदर ऐसा कुछ प्लान नहीं चल रहा था। नू ने अपने दिल को परमेश्वर के आगे खोल के रख दिया। देख परमेश्वर, आज जो भी मैं हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ, मैं यही हूँ, मैं यही नू हूँ। अलग था वो, क्या लिखा, वो अपने समय के लोगों से, उसके दोस्त लोग ड्रिंक करते, उसके दोस्त लोग चरस पीते, उसके दोस्त लोग गांजा पीते, उसके दोस्त लोग गाली से बात करते, वो नहीं बात करता। उसके दोस्त लोग नजर गलत डालते, लड़कियों पे गलत नजर डालते, वो नहीं डालता। उसके दोस्त लोग सिगरेट पी रहे, वो सिगरेट। उसके दोस्त लोग लड़कियां बाजी कर रहे, वो लड़की बाजी नहीं कर रहा। उसको पता था, उसको ये बात पता थी, और इसी कारण से नूह की आयु बढ़ी, इसी कारण से। इसी कारण से नूह की आयु बढ़ी। पृथ्वी में पहला व्यक्ति जो था हनोक, और सेकंड जो था वो था नूह। हालेलुया, ये कारण है। आज बोलते हैं नूह की आयु क्यों बढ़ी। नूह अलग था, नूह डिफरेंट था, और परमेश्वर डिफरेंट लोगों को बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर डिफरेंट लोगों के परिवार को ब्लेस करना चाहता है। और नूह इतना मजबूत था विश्वास में कि नूह के विश्वास के कारण उसके घराने ने उद्धार पाया। पढ़ दीजिए पूरा। तब यहोवा ने नूह से कहा तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मेरे इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। केवल तुझी को अपनी नजर में धर्मी, मैं तुझे वॉच कर रहा था, मैं तुझे देख रहा था, तो बिल्कुल अलग है अपने फ्रेंड से, तो बिल्कुल अलग है अपनी पत्नी से, तो बिल्कुल अलग है अपने बच्चों से, तो बिल्कुल अलग है अपने रिश्तेदार से, तो बिल्कुल अलग है, तो बिल्कुल डिफरेंट है, तू वैसा नहीं है जैसा होना जैसे लोग है, लेकिन तू अलग। और मैंने अपनी नजर में, मैं तुझे वॉच कर रहा था, मैं देख रहा था अपनी दृष्टि में कि तू धर्मी है, तू मेरे काम करने की योग्य है। अब मैं तुझे जहाज में पहुंचाऊंगा, अब मैं तुझ पे कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। हाँ, ये यहां से पढ़ना, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। तो पाया नूह को, जब परमेश्वर नूह को धर्मी पाया, तो आज बाइबल में हमारा नाम होना चाहिए परमेश्वर हमें भी धर्मी पाए, हम भी परमेश्वर की बात माने, हम भी परमेश्वर के ऑर्डर को फॉलो करें, हम भी परमेश्वर के ऑर्डर को ना तोड़े। जब परमेश्वर हमें कोई ऑर्डर देता है तो हमें वो करना है। जब परमेश्वर बोलता है अभी करना है, तुरंत बोला तुरंत करा, बताना चाहूंगी, तुरंत बोला और तुरंत करा। जैसे यहाँ पे परमेश्वर ने बोला केवल तुझी को अपने दृष्टि में धर्मी पाया, उसके ऊपर पढ़ना तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, और वो चल दिया। हाँ, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से हाँ केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। हालेलुया, कितनी बड़ी बात बोली परमेश्वर ने तुझी को। ऐसा कोई है बाइबल में जो परमेश्वर ने उसके बारे में बोला? बस हनोक और इसके बारे में बोला परमेश्वर ने। और देखो यहाँ पे पांच क्या बोलता है, उत्पत्ति उसका साथ उसका पांच में क्या लिखा है, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार यहोवा किस ऑर्डर के अनुसार नूह ने किया। किसने किया? जब परमेश्वर हमें कोई ऑर्डर बोलता है हमें करना है। जब बोलते हैं कि तुझे ये वचन इस बहन के लिए मिला उसको सुनाना है, जब बोलता है तू अपने परिवार में वचन को सुना तो सुनाना है, जब तू अपने फैमिली में वचन को सुनाना है, लेकिन हम डर जाते हैं। वचन सुनाने वाले हम नहीं है, प्रार्थना करने वाले हम नहीं है, संगति में लाने वाले हम नहीं है। क्या आप सोचते हैं आप किसी को मसीह में लाए, आप किसी को मसीह में नहीं ला सकते? आप क्या सोचते हैं आपने किसी को प्रार्थना करना सिखाए? आप कभी किसी को प्रार्थना करना नहीं सिखा सकते। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर ग्रेस है जो उसने बात को माना। आज हमारे पास अनुग्रह होना बहुत जरूरी है, आज हमारे पास ग्रेस होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहोवा की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हालेलुया,
यहोवा की इस आज्ञा, यहोवा के ये ऑर्डर के अनुसार उन्होंने किया, नू गया। हालेलुया। और उस समय नू की आयु 600 वर्ष की थी। कितने? 600 इयर्स की थी। अब आप सोचो उसका शरीर कैसा था, कमजोर दुर्बल, लेकिन 600 वर्ष में भी वो गया परमेश्वर के ऑर्डर को फॉलो करने। अरे मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अरे मेरे दांत टूट रहे, अरे मेरे को दिख नहीं रहा, हमारे घर में लाइट नहीं है, अरे हमारे घर में पानी नहीं है, अरे हमारे घर में मेहमान नहीं है, 100 एक्सक्यूज तैयार हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि अभी भी हम शरीर में हैं, अभी भी हम आत्मा में नहीं पहुंचे। हम आत्मा में पहुंचेंगे, हमारे रेडी होंगे नहीं। अगर देखो मसीह की जो कलीसिया के लोग होंगे वो चले जाएंगे लेकिन आ जाएंगे। कैसे? मैं आपको बताना चाहती हूँ, उनके पास उनको भूख रहेगी कि हम वचन सुने बिना रह नहीं सकते, हम प्रार्थना सुने बिना रह नहीं सकते, हम खाना खा ही नहीं सकते। नूह जो था वो नहीं रह सकता था इन सारी चीजों को लेने। इसमें उसको पता था कि मैं ये ऑर्डर को फॉलो करना ही है। मुझे पता है कि परमेश्वर ने मुझे ये मेरे को ये इतनी अच्छी बात बोली कि मेरे इस टाइम पे मेरा घराना बच जाएगा। परमेश्वर ने मुझे जाने को बोल सकता था, लेकिन उसने मेरी फैमिली को जाने को बोला। और ये उसके लिए बहुत आनंद की बात थी। अंदर में उसके आनंद चल रहा होगा। अब वो ये नहीं सोच रहा मेरा परिवार कैसा बचेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये ना सोचे, अब वो आप ये ना सोचे मेरा परिवार कैसा, यूं सोच रहा होगा अब मेरा परिवार कैसे बचेगा। असंभव बातों को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। हालेलुया। जो असंभव लगती है आपको, असंभव लगता है, वो परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए ना। नूह के द्वारा परमेश्वर ने बचाया उसके फैमिली को। किसके द्वारा? नूह के द्वारा। तो आप क्यों सोचते हैं आप अपनी फैमिली को, क्या आप अपनी फैमिली का उद्धार करा सकती? आप अपनी फैमिली को चंगा कर सकते? आप अपनी फैमिली को हील कर सकते? आप अपनी फैमिली को ब्लेस कर सकते? ना मैं अपनी फैमिली को ब्लेस कर सकती, ना मैं अपनी फैमिली को हील कर सकती, लेकिन मैं असंभव बातों को परमेश्वर के हाथ में दे रहा हूँ। ऐसी कोई रिक्वेस्ट है, प्रेयर जो नहीं हो पा रही वो असंभव आपके लिए परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। हालेलुया। हम कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर कराने वाला है। हमें नहीं पता हमारी डेथ कब होगी, पता है हमें नहीं पता है, तो फिर हम कैसे अपनी फैमिली को ये करा सकते हैं। हालेलुया। हमें पता है कल क्या होगा, हमें नहीं पता है, हमें फ्यूचर नहीं पता है। फ्यूचर यीशु मसीह को पता है, इसलिए उसको फॉलो करो, उसके ऑर्डर को फॉलो करो। फ्यूचर ब्लेस रहेगा, बच्चे ब्लेस रहेंगे, परिवार ब्लेस रहेगा। आपने कितनी टेस्टिमनी सुनी, हम पहले मसीह में नहीं थे, हमारी सिगरेट छूट गई, हमारी दारू छूट गई, कैसे छूट गए? उसके पास आने, असंभव को लेके आया था, असंभव को लेके आया, संभव को लेके गया। सिगरेट कैसे छूटेगी, ड्रिंक कैसे छूटेगी, परिवार कैसे बचेगा? असंभव को लेके आते हो आप, संभव को लेके जाओगे। असंभव बातों को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। चंद्रिका, चंद्रिका, हाँ पढ़िए। फिफ्थ, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। आपको जब परमेश्वर कोई ऑर्डर बोलता करना है, आज जब प्रार्थना करने के लिए बोले आज प्रार्थना करना है, आज वचन पढ़ने के लिए आज वचन पढ़ना है, आज संगति करने के लिए, जिस दिन आपका लाइव देखने का मन नहीं हो रहा है उसी दिन लाइव देखना, उसी दिन एक बड़ा मिरेकल होने वाला है। ये नूह बोल सकता आज मैं नहीं करूंगा परमेश्वर, मैं तो कल करूंगा, कल मेरी फैमिली बुलाऊंगा, है ना, इस संडे मेरी फैमिली चर्च नहीं आएगी, नेक्स्ट संडे आएगी। परमेश्वर उस संडे मिरेकल करने के लिए तैयार होगा, उस संडे प्रभु के दास के द्वारा, प्रभु की दासी के द्वारा एक ऐसे रेवोल्यूशन, दास दास से ऐसे रेवोल्यूशन बोलेगा, आपको नहीं पता, आपको असंभव था मेरी फैमिली ये कैसे, लेकिन आ गई फैमिली विश्वास, आ गई फैमिली बिलीवर में, वो बिलीव करने लगी, विश्वास करने लगी। हालेलुया। एक गवाही बताना चाहती हूं आपको, पोस्टर अंकुर मोर्जी अपने यूट्यूब चैनल में हमने डाल के रखी है, आप अगर हो तो आप सुनिएगा। एक बहन को एक लड़का बोलता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, उसने बोला हाँ है मेरा बॉयफ्रेंड। कौन? बोले यीशु मसीह। ये कौन सा बॉयफ्रेंड होता है यीशु मसीह है? बोले नहीं है। तो तुम्हारे को यीशु मसीह को जानना है, उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को जाना और आज उसने 32वां ले लिया, आज वो सारे काम गलत काम को छोड़ दिया। मैं बोलूंगी आपको बोलना चाहूंगी आज क्या करना है, आज हम यीशु मसीह के फॉलोअर बने, यीशु मसीह के ऑर्डर को पूरे करना है। आज आज हमारे क्वेश्चन, आज हमारे आंसर कैसे होते हैं। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे यीशु मसीह के पीछे चला। वो बहन ने कहीं ना कहीं, वो भाई ने क्वेश्चन फालतू का क्वेश्चन पूछा, लेकिन यीशु, उस बहन ने बोला हाँ है मेरा बॉयफ्रेंड यीशु मसीह। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है।
पढ़िए यहाँ पे, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया, उसका 13 पढ़ना, 7 का 13, नूह ने किया। चंद्रिका, हाँ पढ़िए। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, ठीक उसी दिन गया वो, अलग नहीं, सेकंड डे नहीं, कल आएंगे परसों आएंगे, नहीं, उसी दिन में गया, जैसे परमेश्वर ने उसको बोला, उसने अपनी फैमिली को लिया, अब हमें पैकिंग करने में टाइम नहीं, जो था वैसे की वैसे अपनी फैमिली को लिया और गया, कहाँ गया, जहाज में, ठीक उसी दिन हाँ, नूह अपने बेटे शेम हाँ और ये पेत उसके तीन बेटे और अपनी पत्नी उसकी वाइफ को और तीनों बहुओं समेत और उनके सब, हालेलुया, किसको लेके गया, उसी दिन गया और क्या हुआ, तीन बच्चे, एक वाइफ और तीन बहुएं, तीनों को लेके गया। अब सोच लो कि क्या तीनों बार आसान था ये उसके लिए आसान काम था क्या, वाइफ को पटाना पहले तो, सबसे पहले तो, फिर तीनों बेटे को पटाना, फिर बेटा तो ठीक है, वाइफ को पटाने तो ठीक है, चलो वाइफ मान लीजिए, अब बेटे, तीन बेटे, ठीक है, अब भैया बेटे की बहुओं को ही पटाना है, चलो भैया जहाज में जाना, ये घर में नहीं देना, इस चीज इस जगह को परमेश्वर नष्ट करने जा रहा है। जैसे सदोम और अमोरा में आपने देखा होगा कि उसके उसके जो जमाई थी उसने उसकी बात नहीं मानी थी, हालेलुया, सदोम अमोरा में जब परमेश्वर उसको नष्ट करने वाला था तो वहां पे उसकी बात नहीं मानी थी परमेश्वर, हालेलुया, वचन पढ़ा के मैं बताऊंगी आपको, Thank you, Lord. लूत के विषय में आपको मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे लूत की जमाई जो लोग थे उसने बात नहीं मानी, बोल रहा परमेश्वर इस जगह को नष्ट करना चाहता है, क्या परमेश्वर इस जगह को नष्ट, लेकिन उसने बात नहीं मानी, उसकी पत्नी ने बात नहीं मानी, उसके बच्चों ने बात नहीं मानी, जब परमेश्वर ने उसकी वाइफ को बोला कि पीछे पलट के मत देखना, तो वो क्या हो गई, वो नमक का खंभा बन गई, लूत को बहुत मुश्किल पड़ी और वो नहीं बना पाया, अपनी फैमिली को नहीं बचा पाया, लेकिन यहाँ पे नूह अपनी फैमिली को बचा पाया, लूत नहीं बचा पाया लेकिन नूह अपनी फैमिली को बचा, नूह ने उसकी फैमिली ने उसकी बात मानी, क्योंकि नूह परमेश्वर के ऑर्डर में था, नूह परमेश्वर के प्लान में था, जब हम अपने परमेश्वर के प्लान में रहेंगे हम बात हमारी फैमिली हमारी बात मानेगी, लेकिन यहाँ पे लूत धर्मी तो था, यहाँ पे लूत धर्मी था लेकिन परमेश्वर के प्लान में नहीं था, परमेश्वर के ऑर्डर में नहीं था, उनकी गाय भेड़ में झगड़ा हो गया, वो दोनों अलग हो गए, लेकिन अब्राहम ने कौन सी वाली तराई चुनी और लूत ने कौन सी, लूत ने एक उपजाई वाली तराई जहां पे सब कुछ, आज हम ऐसी जगह चेक करते हैं, आज ऐसी जगह ढूंढते जहां सब जगह घर बने हुए हैं, सब जगह महल बने, मार्केट चालू है, ऐसी जगह हम देखते हैं और शैतान आपको ऐसे दिखा के भरमाता है, परमेश्वर बोलते तू ऐसी जगह मत ले जहां कोई नहीं रहता, तू वहां जाके रहे, वहां मैं तू रहेगा, तेरे कारण वहां के कॉलोनी आशीषित है, तेरे कारण वहां के लोग आशीषित होंगे, लेकिन लूत ने गलत जगह चुनी, इस कारण से उसकी पत्नी बात नहीं मानी उसकी, क्योंकि उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी, तो लूत ने उसकी पत्नी ने उसकी बात नहीं मानी, उसकी जामाई ने उसने बात नहीं मानी, और क्या उसने बोला चल हम नष्ट होने जा रहे, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने वहां पे आग और भस्म लगाई और वहां के लोग नष्ट हो गए, वहां से उसके जमाई भी, और क्या हुआ, उसकी पत्नी को बोला पीछे मुड़ के मत देखना, लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला पीछे मुड़ के, वो नमक का खंभा बन गई और आज तक उस जगह वो नमक का खंभा बनी हुई, क्योंकि उसने लूत ने परमेश्वर के ऑर्डर को तोड़ा, वैसे ही सेम लूत की जो वाइफ है उसने भी परमेश्वर के ऑर्डर को तोड़ा, उसने भी अपने पति की बात नहीं मानी, और क्या हुआ इस कारण से, उसकी बेटियां रह गई और उसकी बेटियां उसके साथ सोई, सोची उसकी बेटियां व्यभिचार कर बैठी, उसकी बेटी गंदगी में, जब गॉड्स ऑर्डर टूटता है, जब परमेश्वर का प्लान टूटता है, तो यहाँ पे लूत के ऊपर परमेश्वर का फेवर नहीं था, लूत के ऊपर परमेश्वर का प्लान नहीं था, हालेलुया, बात नहीं मानी, लेकिन यहाँ पे
नूह के ऊपर परमेश्वर की ग्रेस थी, नूह के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था, हालेलुया। और क्या हुआ, उसकी बहुएं नहीं मानी, यहाँ पे उसके दामाद ने नहीं मानी। अब जब यहाँ पे मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मेरा टॉपिक अलग है, मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे अब जब उत्पत्ति 19:22-21 पढ़ेंगे उसमें लूत के विषय में दिया गया है, परमेश्वर ने सदम और अमोरा को नष्ट कर दिया। यहाँ पे भी सेम परमेश्वर जल प्रलय से नष्ट हो रहे थे, नष्ट करने जा रहा था, और परमेश्वर ने नूह को बचाया। क्यों? नूह धर्मी पुरुष था, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और नूह के कारण ही उसका घराना बचेगा, क्योंकि नूह ने अपने परिवार को बचाया। कैसे? यहाँ पे लिखा है जिस दिन परमेश्वर ने उसको बोला उसी दिन गया। मतलब प्रेशर करना पड़ा लूत को, अरे उठ और जा, अरे उठ और जा, प्रेशर में रख, प्रेशर करना पड़ा। लेकिन जिस दिन नूह को बोला उसी दिन नूह उठा, उसी दिन अपनी पत्नी को लिया, उसी दिन अपने तीन बच्चों को लिया, उसी दिन तीन उनकी जो वाइफ थी उनको कन्वेंस करा, और वो लोग निकल पड़े जहाज में जाने के लिए। जिस दिन परमेश्वर हमें बोलता हम जाता है, परमेश्वर बोले आज तो तेरी मदर इन लॉ को सुसमाचार सुना, आज तो फादर इन लॉ को सुसमाचार सुना, आज तो लोगों को सुसमाचार सुना। आज हम नहीं जाते जब हम परमेश्वर की बात नहीं मानते, हम गॉड्स ऑर्डर को तोड़ते। हालेलुया। हम किसको तोड़ते हैं? हम गॉड्स ऑर्डर को तोड़ते हैं। क्या आज आपने गॉड्स ऑर्डर को तोड़ा? तो कैसे आप चाहते हो परमेश्वर आपकी बात माने? कैसे चाहते हो कि परमेश्वर आपकी बात माने और आप सोचे कि मेरा घराना उद्धार पाएगा? जब आप बात को मानोगे, आप परमेश्वर ने आपको बोला आपने किया, आपका घराना उद्धार पाएगा, आपका घर आशीष पाएगा, आपका घर ब्लेसिंग पाएगा। क्या सारे लोगों को समझ में आ रहा है ये बातें जो मैं बात बोल रही हूँ? आप लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। अगर समझ में आ रहा है तो रिप्लाई करें, अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को तो रिप्लाई करें। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे 12 पढ़ना है, एक मिनट। और वर्षा 40 दिन और 40 रात कंटिन्यू। अब देखो 40 दिन भी जहाज में रहे और 40 रात भी, और वो अपनी पत्नी बच्चों को तो लेके गए। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, नीचे पढ़िएगा उसका 14। और उनके संग एक एक जाति के, उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु, सब बनेले पशु, और एक एक जाति के हाँ सब घरेलू पशु हाँ, और एक एक जाति के हाँ सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हाँ, और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। हालेलुया। अब सोचो जहाज में इतने सारे पक्षियां कैसे रहेंगे? नूह बोल सकता कि नहीं बस मैं चली जाऊं और मेरा परिवार, आज हमारा यही रहता है, अरे मैं बच्चा हूं और मेरा घराना पड़ोस वाला भाड़ में जाए, लोग भाड़ में जाए। नो वे, परमेश्वर ने ये प्लान था कि तू तो जा, लेकिन जो रेंगने वाले जंती पक्षी इनको भी परमेश्वर ने बचाया, इनको भी रहने का स्थान दिया। उसने अपनी पत्नी को तो ले गया, बच्चे को तो ले गया, परिवार को तो ले गया, बहू को तो ले गया, लेकिन जो यहाँ पे जितने प्राणी में जीवन का प्राण उन सबको क्या लिखा है? और जितने प्राणियों में हाँ, जीवन का प्राण था हाँ, उनकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए। हालेलुया। दो दो करके नूह के जहाज में गए, उसी दिन गए, अलग से नहीं गए। हालेलुया। अब सोचो नूह ने जहाज कब बनाया होगा? परमेश्वर ने उसको ऑर्डर बोला कि तू जहाज बनाना, पहले जहाज बनाया, फिर विश्वास में चलता रहा, फैमिली को भी, फैमिली विश्वास नहीं करती, फैमिली बिलीव नहीं करती। हालेलुया। आज नूह की जो फैमिली वो क्या नहीं करती? वो विश्वास नहीं करती, वो बिलीव नहीं करती। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपके घराने को बचाना चाहता है, आज परमेश्वर अपनी फैमिली को बताना चाहता है, जैसे परमेश्वर पिता सिद्ध है, आज हमें भी सिद्ध बनना है। हालेलुया। आज आप भी नूह की तरह क्या करना है? परमेश्वर की बात मानना है। आज आप भी नूह की तरह परमेश्वर की बात मानना है। हालेलुया। वो चाहता तो अपनी फैमिली को ही बचा लेता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने सोचो एक संघर्ष जीवन बिताया, कैसे कैसे कन्विंस करा उसकी फैमिली अनबिलीवर और वो विश्वास में खड़ा हुआ रहा। हालेलुया। वो कैसे उसने अपनी और अपनी फैमिली के साथ साथ प्रभु की भी सेवा करी। किसकी सेवा करी? अपनी तो करी, वो तो चलता रहा, लेकिन उसकी जो जरूरत थी उनको क्या करा? वो छोड़ देता अपनी फैमिली को? उसने नहीं छोड़ा अपनी फैमिली को, उसने अपनी फैमिली की जरूरतों को, उनकी अपनी फैमिली की नीडों को पूरा करा। परमेश्वर के साथ साथ रहते। आज बोलते हम दो, आज काफी लोग बोलते कि हम नहीं कर सकते, हम वचन पढ़े थे, हम फैमिली को नहीं संभाल सकते, हम बच्चे को नहीं संभाल सकते, हम परिवार को नहीं संभाल सकते, इसलिए काफी लोग अपनी वाइफ को पीआर भेज देते। क्यों भेजते हैं?
काफी लोगों का सुना पीएल क्यों भेजते, इसलिए क्योंकि वो दो तरह की सेवा नहीं कर सकते। आज नूह ने दोनों तरह से अब परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई और अपनी फैमिली की भी। जब हम परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाएंगे ना, परमेश्वर के ऑर्डर को पूरा करेंगे, परमेश्वर हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा, और वो सामर्थ दिया, वो ग्रेस दिया परमेश्वर ने नूह को। हालेलुया, हालेलुया। अब जब परमेश्वर जो करने को बोलता है वो करना, यहाँ पढ़िए यहाँ पे 12:13, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर कंटिन्यू होती रही, दिन में भी हुई रात में भी, और जहाज में थी वो लोग। हाँ आगे, ठीक उसी दिन वो अपने पुत्र शेम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु। नूह क्या लिखा है यहाँ पे 13 में, ठीक उसी दिन, उसी दिन जब परमेश्वर बोले उसी वक्त उसी टाइम पे करना, उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, अपने पुत्र शेम उसको शेम को कन्वेंस करा, चल मेरे साथ गया। परमेश्वर का भी काम करा और फैमिली का भी काम कर रहा है, फैमिली को भी कन्वेंस कर रहा है। हाँ आगे, हाम को भी लेके गया, उसके दूसरे बेटे को भी लेके गया, और येपेत को भी लेके गया, और अपनी पत्नी और उसकी वाइफ को भी लेके गया, उसको भी बोला कि चल अपन जहाज में। उसके फैमिली बिलीवर में थे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने, यहाँ पे वचन में लिखा है कोई धर्मी नहीं है, यहाँ पे आगे आप 7:1 पढ़ोगे, केवल इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपने दृष्टि में धर्मी पाया। मतलब नूह के बच्चे धर्मी नहीं थे, नूह की वाइफ धर्मी नहीं थी, हालेलुया, कोई भी धर्मी थे, नूह धर्मी था। हालेलुया, कितने लोगों को ये बात समझ में आ, केवल नूह ही धर्मी था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला तू अपनी वाइफ को भी लेके, तू अपने बच्चे को भी और तू बहुओं को भी धर्मी लेके जाना। आगे 14 और उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु जो है उसको भी लेके आया। अब तू बोल सकता पत्नी बच्चे इतने सारे 8 लोग तो हो गए, लेकिन अब मैं कहाँ रखूंगा इन जानवरों को, अब इन जानवरों की बदबू आएगी, अब मेरी फैमिली एडजस्ट करेगी, लेकिन वो लेके गया। हाँ, और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। कहाँ गए, जहाज में चले गए। बोल सकता था लेकिन नहीं, परमेश्वर ने ऑर्डर बोला है। परमेश्वर असंभव को संभव करता है। जगह नहीं है, परमेश्वर स्पेस बनाएगा, खाली है परमेश्वर जगह भरेगा। आज चर्च खाली, लोग बोले कैसे भरेगा, खाली स्थान को परमेश्वर भरने आया, खाली जगह को भरने आया। आज आप खाली हो, परमेश्वर को पवित्र आत्मा से भर रहा है। आज आप खाली हो, परमेश्वर होली स्पिरिट से भर रहा है। हालेलुया, आज जितने भी लोग खाली, परमेश्वर आपको भरने जा रहा है। हालेलुया, तो मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे क्या लिखा, उत्पत्ति उसका 7 उसके साथ में, एक मिनट, उत्पत्ति 7 उसका 23, और क्या मनुष्य क्या पशु क्या रेंगने वाले जंतु क्या आकाश के पक्षी जो जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए। हालेलुया, हालेलुया। उसी के बाद, सॉरी ये वाला नहीं, उसके बाद 15 से पढ़िए, जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी सब जातियों में से दो नूह के पास जहाज में गए। परमेश्वर इन पक्षियों को भी बचाना चाहता है। हाँ, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। आज काफी लोग बोलते हैं नूह ने बंद करा। अरे बच्चन को ध्यान से पढ़ो, बच्चन को ध्यान से मेडिटेट करो, किसने दरवाजा बंद करा है। उद्धार का दरवाजा जो था वो नूह ने नहीं, उद्धार का जो दरवाजा था वो किसने बंद करा, वो परमेश्वर ने बंद करा। परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने बंद करा है। हालेलुया, हालेलुया। दरवाजा जहाज ने नूह ने नहीं, लेकिन परमेश्वर ने बंद किया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। क्या आज आप वेट करें, इंतजार करें, हम कल चले जाएंगे चर्च, परसों चले जाएंगे। सोचो परमेश्वर आज आपका उद्धार कराए। यहाँ पे ये उद्धार को दिखाता है जहाज के अंदर की चीजें, क्यों उसको अंदर ले गया, उनकी फैमिली को परमेश्वर उद्धार कराना चाहता था, उसकी फैमिली का। किसकी, अगर हम जहाज के अंदर जाएंगे, हम कलीसिया में जाएंगे, हम संगति में जाएंगे, हम फेलोशिप करेंगे, तो मैं बोलूंगी परमेश्वर आपकी फैमिली का उद्धार। आप जाओ, आप अपनी फैमिली को बोलो, आप इतनी प्रार्थनाएं करो, आप इतने वचन पढ़ो, आप इतने भरे भरे, कोई व्यक्ति आपको मना ना कर सके।
कोई व्यक्ति आपको ठंडा ना कर सके, आप हमेशा गर्म रहे होली स्पिरिट से, आप हमेशा फायर में रहे, आप हमेशा जले में रहे, आप हमेशा आग में रहे, कोई व्यक्ति आपको मना नहीं करेगा, कोई व्यक्ति आपको नहीं डटेगा। आप कैसे अपनी फैमिली को मना कर रहे हैं? नहीं, आपकी फैमिली आएगी, आपकी फैमिली प्रभु की है, प्रभु उनको करेगा सब कुछ। हालेलुया। लेकिन समय खत्म हो गया, दरवाजा बंद हो गया, मतलब जहाज का दरवाजा बंद, मतलब बंद हो गया, मतलब समय खत्म, परमेश्वर ने बंद कर दिया। पर जितने लोगों को मुझे बुलाना था मैंने जहाज के अंदर बुला लिया, अब समय खत्म हो गया। ऐसे ही परमेश्वर का आना होगा भाई बहनों। अभी आप बोल रहे हो, अभी मेरी फैमिली, अभी आप खा रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, धूम मचा रहे हो, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा बहनों भाइयों कि आप बोलोगे, आप मुझे परमेश्वर का वचन सुनना है, मुझे प्रार्थना। आज आप लोगों को बोलते हैं तो एक्सक्यूज होते हैं, नहीं सुन पाए, लेकिन आने वाले समय में आपके पास वचन वचन रहेगा ही नहीं, ये रहेगा ही नहीं वचन। क्यों? यहाँ पे जैसे दरवाजा बंद कर दिया ना परमेश्वर ने जहाज का, वैसे ही उद्धार का भी दरवाजा बंद कर दिया। हालेलुया। यहाँ पे जहाज के अंदर ले गया, मतलब उद्धार के अंदर ले गया उसकी फैमिली को बचाया। जल प्रलय वहां पे हो रहा था और 40 दिन 40 रात परमेश्वर ने उसकी फैमिली को बचाया। जब परमेश्वर ने नूह की फैमिली को बचाया तो परमेश्वर हमें भी बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया शंदरिका, हालेलुया। सारे लोग पढ़ी वापस से, ये यहाँ पे 16, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, सब जाति के प्राणियों में से, और जो वे गए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के ऑर्डर के अनुसार, सब जातियों के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। तब यहोवा ने जहाज का, किसने बंद करा? नूह ने नहीं, लेकिन यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। हालेलुया। आप उद्धार पाना चाहोगे, दरवाजा बंद हो जाएगा। आप मिरेकल देखना चाहोगे, नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चर्च जाते थे पहले, इस संडे नहीं गए, कल चले जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, आज चर्चेस नहीं लग रही है, क्या कारण है? आप सोचिए, ऐसा ही होगा सेम, दरवाजा बंद हो जाएगा। आप चाहोगे, आप बोलोगे मेरे को आज वचन पढ़ने की बहुत इच्छा हो रही है, वचन पढ़ूंगी, बाइबल तो है ही नहीं, कहां से पढ़ेंगे? इसलिए बोल रहे बाइबल को खा लो, वचन को खा लो, खाने की तरह। मैंने कल एक उदाहरण दिया था आपको, एक व्यक्ति, एक बहन, एक जो भाई है जो खाना बनाएगा, उसके अंदर क्या है? हल्दी, मिर्ची, नमक, उसको पूछने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर है। वैसे जब हमारे अंदर वचन रहेगा, प्रार्थना रहेगा, सारी चीज रहेगी, हमें बाइबल की भी नीड नहीं रहेगी आने वाले समय बाइबल नहीं रहेगी आने समय में बाइबल। आपको क्या लग रहा है ये यूट्यूब पे इतने सारे जो वचन है आप अभी इग्नोर कर रहे हो, बड़े बड़े खुदा के दासों के और बाकी लोगों के, तो क्या वो रहेंगे? नहीं रहेंगे। परमेश्वर चाहता है अंदर वचन ले लो, अंदर से निकलेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर, कल मैंने बताया था परीक्षा के लिए कि परमेश्वर की, यीशु मसीह की जब परीक्षा हो रही थी उसके अंदर से वचन निकला, बाइबल खोल के नहीं बैठा था इसमें। वैसे ही मैं बोलना चाहती हूँ, जब आप उद्धार पाना चाहोगे नहीं पा सकोगे, इसलिए बोलती हूँ परमेश्वर के करीब आओ, परमेश्वर के निकट आओ, वो आपके निकट आएगा। नूह परमेश्वर के निकट था, नूह धर्मी था, नूह परमेश्वर के साथ चलता था। किसके साथ चलता था? परमेश्वर के साथ। वो परमेश्वर का फेवर था, परमेश्वर के ऑर्डर को फॉलो करता। फैमिली तो बच गई उसकी, उसके बेटे बच्चे सब बच गए। 40 दिन तक जल प्रलय होता, लेकिन जहाज उसके अंदर, नूह की कलीसिया थी, उसकी फैमिली उसकी कलीसिया थी, उसको बचाया और वहां पे जीव जंतु को भी बचाया परमेश्वर ने। और फिर क्या हुआ? और दरवाजा बंद कर दिया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। क्या करा परमेश्वर ने? पढ़िए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद किया। किसने करा? परमेश्वर ने। आज चाहते हो उद्धार का दरवाजा बंद कर दे, आशीष का दरवाजा बंद कर दे, मिरेकल का दरवाजा? आप चाहते हो? आपको और वचन, आपको और प्रार्थना, जब परमेश्वर कोई ऑर्डर बोले आपको करना है पूरा। परमेश्वर ये चाहता था मुझे उसकी फैमिली को बचाना है, परमेश्वर ने बचा लिया उसको, परमेश्वर उसके जीव जंतु को बचा लिया। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? उत्पत्ति उसका 7 उसका 23। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए, सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल नूह
और जितने उसके संग जहाज में थे, केवल नूह और जितने लोग उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। ये क्या था? ये परमेश्वर का ग्रेस था। नूह तो बचा, उसकी फैमिली भी बची। यदि हम धर्मी है, यदि हम परमेश्वर के साथ चलते, यदि हमारा विश्वास कमजोर नहीं है, यदि हमारा मजबूत है, तो वचन क्या कहता है? यदि तू विश्वास करेगी तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों की काम 16 उसका 3 उसका 13 वहां पे क्या लिखा हुआ है? यदि तू बस तेरा घराना बचेगा, तू बस तेरी फैमिली बचेगी, तू बस तेरा घराना बचेगा। क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 16 उसका 13 या 3 में लिखा है। प्रेरितों के काम 16 उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, प्रभु यीशु मसीह विश्वास रख, प्रभु यीशु पर डिपेंड रहे, प्रभु यीशु मसीह के ऑर्डर को फॉलो कर। क्या करना है? यीशु मसीह पर डिपेंड रहना है, उसके ऑर्डर को फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सब लोग मर मिट गए। और क्या लिखा है यहाँ पे? जितने उसके संग जहाज में थे, जितने लोग उनके संग जहाज में थे वे बच गए। यदि हम जहाज में है, यदि हम कलीसिया में है, यदि हम फेलोशिप में है, यदि हम चर्च में है, यदि हम संगति में, हम बच जाएंगे। आज आप महामारी से क्यों बचे हो बहनों? आज आप क्यों बचे हो? मैं ये नहीं बोलूंगी बहन मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं गई हूँ। हमें राशन लेने जाना पड़ता है, हमें और काम बच्चों का करना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है, आज भी हम जाते हैं। लेकिन क्यों परमेश्वर ने बचाया? लोग डर रहे, ब्लैक फंगस आ रहा है, हमारे पास नहीं आएगा। परमेश्वर हमें क्यों बचाया है बहन? आपको क्यों बचाया है? परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर का फेवर है, परमेश्वर का अनुग्रह है। आप ये मत सोचो आप बहुत घर में बैठी, लोगों को घर में बैठे बैठे वायरस आ गया, वो कहीं नहीं गए, वो कहीं डर के कारण उनकी मौत हो गई। क्यों? क्यों हो गई? परमेश्वर का प्लान नहीं था, कोई फायदा, कोई काम करी था वो बहन, कोई काम करी था वो भाई, इसलिए वो चले गए। लेकिन आप परमेश्वर के काम आए, आप काम के है, आप फालतू उन व्यक्ति नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने बचाया। नूह को बचाया, नूह धर्मी पुरुष था। यदि आप धर्मी पुरुष है आपकी फैमिली बचेगी। यदि आप धर्मी है परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर के ऑर्डर को फॉलो करेंगे, परमेश्वर ग्रेस रहेगी और आप बचेंगे। आप तो बचेंगे, परमेश्वर ने नूह को तो बचाया प्लस नूह की फैमिली को बचाया। यदि अगर हम धर्मी है, हम परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हम परमेश्वर की बात को मानते हैं, हम परमेश्वर की ऑर्डर को मानते हैं, तो हम तो बचेंगे, हमारी फैमिली बचेगी। अरे हमारी फैमिली आपके काउंसलिंग करने से नहीं बचेगी, घंटों घंटों तो प्रभु के सुसमाचार से नहीं बचेगी। नूह ने यहाँ पे नहीं कि उसने अपनी फैमिली को समझाया वचन के बारे में, प्रार्थना के बारे में, बहू को समझाया, किसी को नहीं। उसने तो बस परमेश्वर को अपना जीवन बताया, परमेश्वर को अपना कैरेक्टर बताया। आज अपने कैरेक्टर को परमेश्वर को बता दो, आपका कैरेक्टर क्या है आपके अंदर। अपने दिलों को खोल के रख दो, अपने कैरेक्टर खोल के रख दो परमेश्वर के सामने, आप और आपकी फैमिली बच जाएगी। क्यों मेरी फैमिली के साथ ऐसा हो गया? क्यों मेरी मम्मी मर गई? क्यों मेरे पापा हो गए? मैं बोलूंगी आप अगर धर्मी होंगे, आप परमेश्वर के साथ चलते होंगे, आप और आपकी फैमिली बचेगी। हालेलुया। क्या लिखा? वापस उसी पर हाथ रखना, प्रेरितों पे, इस पे आ जाना एक मिनट। केवल नूह हाँ, और जितने उसके संग जहाज में, केवल नूह और जितने लोग उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। यदि आप जहाज में है, यदि आप कलीसिया में है, यदि आप उद्धार में है, आप बच जाएंगे। जहाज में ले जाना उद्धार। हालेलुया। मैंने आपको बताया था जहाज मसीह को दिखाता है, जहाज कलीसिया को दिखाता है, जहाज देह को दिखाता है। यदि आप देह में है, यदि आप मसीह में है, जहाज के अंदर आप कलीसिया है, हालेलुया, तो आप बच जाएंगे, आपका फैमिली बच जाएगी। क्या लिखा? प्रेरितों के काम उसका 16 उसका 3 उन्होंने कहा हाँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। चंदरी हालेलुया। बोला 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 प्रेरितों काम 16 उसका 30 31 उन्होंने कहा प्रभु यीशु पर मेरे पर विश्वास कर। हमें क्या करना है? बस उस पर डिपेंड हो जाना, उस पर बिलीव करना है, बस कुछ नहीं करना है। नहीं हो रहा, असंभव को परमेश्वर के हाथ में दो, परमेश्वर संभव करेगा। टेढ़ा व्यक्ति को परमेश्वर सीधा करेगा, उल्टा व्यक्ति को परमेश्वर सीधा करेगा। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पे? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। यानी आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते, किस पे? मनुष्य पे नहीं, व्यक्ति पे नहीं, लोगों से अलग,
मनुष्य से अलग, संसार से अलग, अपने आप को अलग, संसार संसार से अलग करोगे अपने आप को। अगर आपने अपने आप को संसार में ज्यादा है, आप संसार में ज्यादा रहते हो, तो बहनों आपका परिवार उद्धार नहीं पाएगा, आपका पति उद्धार नहीं पाएगा, आपकी पत्नी उद्धार नहीं पाएगी, आपके बच्चे। लेकिन वहां पे नूह अलग था लोगों से, नूह जो था वो लोगों से अलग था। यहाँ पे प्रेरितों के काम 16 में लिखा है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, किसी व्यक्ति पे नहीं, बस आपको वचन पे और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हाँ आगे, तो तू और तेरा घराना किसको 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 के पहले कौन पाएगा उधर? पहले हम पाएंगे, अगर हम बिलीव करते, हम विश्वास करते, तू पाएगा, तू बच, तेरा घराना बचेगा, तू बच, तेरी फैमिली बचेगी। यहाँ पे क्या लिखा है, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन उद्धार पाएगा? इधर एक टेढ़ा व्यक्ति था पौलुस और सिलास, वो बंदीगृह में डाल दिया था ताकि टेढ़ा व्यक्ति को सीधा कर दिया परमेश्वर ने। यहाँ पे वहां पे वर्शिप कर रहे थे, प्रेजिंग कर रहे थे, और कैसे परमेश्वर ने बोला मैं विश्व उद्धार पाने के लिए क्या करूं, वो ढूंढ रहा था। उसने बोला बस प्रभु यीशु से विश्वास कर, तू और तेरा घराना, तू और तेरा घराना बचेगा। पहले हम सही तरीके से प्रभु में चले, परमेश्वर के ऑर्डर को पूरा करें, परमेश्वर आपकी फैमिली को बचाएंगे। हालेलुया। मैं बोलना चाहूंगी आज के वचन की बात, शैतान को प्रॉब्लम होएगी, लेकिन आपको अपने मुंह से अपने अंगीकार को सही रखना है। नहीं, मैं विश्वास करी मैं और मेरा घराना उद्धार, मैं बिलीव करती हूँ मैं और मेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। हाँ पढ़ दीजिए वाला पूरा, उत्पत्ति उसका 7:23। और क्या मनुष्य, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए, सब पृथ्वी पर से मिट गए। क्या हुआ? सब पृथ्वी से मिट गए, और केवल कौन बचा? केवल नूह। ये परमेश्वर का प्लान था, ये परमेश्वर के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए हुआ। हाँ केवल नूह, केवल नूह, और जितने उसके संग जहाज में थे, जितने उसके संग जहाज में थे, वे ही बच गए, वे ही बच गए। कौन बचे? जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के प्लान में, परमेश्वर के ऑर्डर को पूरा कर रहे, हम धर्मी हैं, हम परमेश्वर के साथ चल रहे, परमेश्वर हमें चलाएगा। नूह कैसे चल रहा था? परमेश्वर उसको चला रहा। नूह जब ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, परमेश्वर के साथ चल रहा था, वो परमेश्वर के प्लान में था। जब आप मेरी बात नहीं मानोगे, आप मेरे प्लान में नहीं, यदि आप मेरी बात मानोगे तो हाँ आप मेरे साथ हो। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में भी नहीं, आप मेरे साथ हो। आप भी यीशु के काम कर रहे हो, अभी प्रार्थना, अभी वचन पढ़ रहे हो, तो आप साथ में, तो हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। साथ चलना क्या होता है? वचन, प्रार्थना, वर्शिप, परमेश्वर जो बोल रहे हैं। आप और आपका घराना, आपका पति कैसा भी क्यों नहीं, वो चेंज जाएगा। आपकी पत्नी कैसे भी क्यों नहीं, आप कन्विंस करने की सामर्थ्य, कन्विंस करने की हर एक चीज परमेश्वर देगा। हालेलुया। आगे मत्ती, सॉरी उत्पत्ति उसका 7:23 पढ़ दिया, उत्पत्ति 7:7। नूह अपने पुत्रों, हाँ, पत्नी, हाँ, और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। हालेलुया। परमेश्वर उसको बचाना, उसकी उसकी पत्नी को बचाना चाहता था, उसको खुद को बचाना चाहता था। परमेश्वर चाहता है आज हम बचें। अगर आप बचेंगे तो आपकी फैमिली बचेगी, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि एक मजबूत व्यक्ति जो विश्वास में खड़ा हुआ है, जो वचन में खड़ा हुआ है, वो नष्ट हो जाए, वो मर जाए, वो गरीबी में गिर जाए, वो व्यभिचार में गिर जाए। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर इसलिए नूह को बचाया, इसलिए जहाज में भेजा, इसलिए जहाज बनाया। क्यों जहाज बनाया? बहुत समय जल प्रलय के बचने के लिए जहाज में गया। हालेलुया। क्यों गया? परमेश्वर इसको बचाना चाहता था हर एक बुरे लोगों से। परमेश्वर आज भी बचाएगा। यदि हम धर्मी हैं, परमेश्वर के ऑर्डर को पूरा करते, उसका फेवर हमारे साथ रहेगा, उसका अनुग्रह हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। हमें पढ़ा उत्पत्ति 7 तक, मैं आपको बताना चाहूंगी पहला पत्रस उसका 3:23। पहला पत्रस उसका 3:20। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जिन्होंने उन बीते समय में, जितने लोग उसने जहाज में, बहुत सारे लोग लिए थे, लेकिन आज्ञा नहीं मानी। जब जहाज में थे लोगों ने उसकी आज्ञा नहीं मानी। हाँ, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा, धीरज धर के वेट कर रहा था, और वो जहाज बन रहा था, और जब जहाज बन रहा था जिसमें बैठ कर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। अब बताओ मुझे, ये 8 प्राणी कौन है?
परमेश्वर ने ये आठ प्राणी जो है वो किसको बचाया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये आठ प्राणी और कोई नहीं है, पहला जो हो गया नूह हो गया, फिर पहला नूह हो गए, उसके तीन बेटे कितने हो गए, चार, फिर उसकी उसकी तीन बहू है, उसके ऑलरेडी आप टोटल करें तीन बहू तीन बेटे छह, खुद वो नूह सात और उसकी पत्नी आठ, परमेश्वर ने उसको बचाया ये आठ प्राणी। हालेलुया, ये आठ प्राणी किसको बचाया परमेश्वर ने? सारे लोग सुन रहे मेरी बात को? अगर आप सुन ले आपको समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप सुन रहे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हालेलुया हालेलुया शंदरी हालेलुया वाला 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 हालेलुया। तो ये आठ प्राणी और कोई नहीं है, ये नूह और उसकी फैमिली थी, परमेश्वर ने उसकी फैमिली को बचाया। आज जब हम विश्वास में बढ़ेंगे, विश्वास हमारा मजबूत रहेगा, हमारी फैमिली बचाई जाएगी, हमारा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया, इसी पे हाथ रखिएगा। पहला पत्रस, दूसरा पत्रस उसका दो उसका पांच, और प्राचीन युग के संसार को दो उसका पांच, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत आठ व्यक्तियों को बचा लिया, आठ व्यक्ति नूह समेत आठ व्यक्ति को बचा लिया। हालेलुया, ये नूह के कारण उसका खुद का घराना बच गया, नूह के विश्वास के कारण, नूह के हर एक चीजों के कारण। यदि हम विश्वास में बने हुए हैं, यदि हम वचन में बने हुए हैं, यदि हम प्रार्थना में बने हुए हैं, यदि हम संगति बने, अरे अपोस्टल जी हम तो लाइव देखते, हम वचन पढ़ते, हम ये करते। यदि आप अगर आज धर्मी है, यदि आज आपके पास परमेश्वर ब्लेस है, यदि आप परमेश्वर की बात मानते हैं, आप परमेश्वर के ऑर्डर को पूरा करते हैं, नहीं आज हम चर्च नहीं आ सकते, नहीं हम प्रार्थना नहीं कर सकते, हमारे घर में क्लेश है, हमारे घर में टेंशन है, हमारे घर में गरीबी है, हमारे घर फाइनेंस है, मेरे पापा क्यों बीमार है, मेरे पापा क्यों पैलेस में, हम तो बेटे को दे रहे हैं, हम तो बीचों को दे रहे हैं, मैं बोलूंगी ये कंप्लेन करना बंद करें, परमेश्वर के ऑर्डर को पूरा करना स्टार्ट करें। मैं बोलूंगी आप तो बचेंगे, आपका पापा बचेगा, आपकी फैमिली बचेगी, आपकी बहन बचेगी, आपकी मम्मी बचेगी, आपका पूरा घराना बच जाएगा यीशु मसीह के नाम से। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? क्या आपको समझ में आ रहा है? या क्या आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं तो आमीन करें, आमीन कहिए, आमीन कहिए। जितना बड़ा आपका आमीन उतनी जल्दी आपके घराना बचेगा, जितना बड़ा आमीन उतनी बड़ी आशीष, जितना बड़ा आमीन उतनी बड़ी ब्लेसिंग, जितना बड़ा आमीन उतनी बड़ी अनॉइंटिंग, जितना बड़ा आमीन उतना ग्रेस, और जितना बड़ा आमीन उतना बड़ा परमेश्वर का फेवर आपके साथ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि हमें नूह के जैसे बनना है? परमेश्वर ने नूह को ऐसा बनाया। अब बोले परमेश्वर तू मुझे नूह के जैसा बना, नूह का कैरेक्टर मेरे जीवन में आए, नूह के जीवन की शैली मेरे जीवन में आए। आज परमेश्वर ने नूह के परिवार को बचाया। डिफिकल्ट था उसके लिए, आसान नहीं था, लेकिन कम असंभव भी नहीं था। आज आपके लिए कोई चीज आसान नहीं है तो वो असंभव भी नहीं है। असंभव को देख के हंसो। हमारे मतलब प्रभु के दास यच क्या फ्रांसिस बोलते हैं, जब असंभव सामने है ना उसको देख के हंसना है, उसको ठाके मारना है, जोर जोर से हंसना है, लाफ करना, लाफिंग करना, असंभव है तो। अब उनका एक गाना भी बहुत अच्छा है, असंभव देख के हंसता है, कहता संभव है। हालेलुया, तो असंभव जो कुछ चीज आए तो देख के हंसना है। रात में आपको शैतान असंभव दिखा रहा है, तेरा काम ये हो, तेरा वो होने वाला है, हंसो असंभव हो। यार मैं किसको असंभव दिखा रहा है, ये कैसे हंस रहा है? सुबह उठ के संभव होगा, सुबह उठ के संभव होगा। हालेलुया, कितने लोगों को ये बात, क्या लिखा है यहाँ पे, पांच पूरा पढ़ दीजिए। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर, पर भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत, परम धर्म के प्रचारक नूह समेत आठ व्यक्तियों को बचा लिया, आठ व्यक्तियों को बचा लिया। नूह को तो बचाया, नूह समेत उसकी फैमिली को बचाया। आज आप समेत आपकी फैमिली को बचाएगा, आज आपके समेत आपके घराने को, आपके परिवार को। आप जिस चीज अपनी फ्रेंड को बचाना चाहते हो, अपनी फ्रेंड को बचा सकते हो। आप अपने रिश्तेदार को बचाना चाहते हो, लेकिन आपको रिश्तेदार से अलग होना है। मैं बोलना चाहूंगी, आपने कितने लोगों ने अपोस्टल अंकुर नौजी की गवाही सुनी?
आपने देखा होगा जब उनके रिश्तेदार उनको शादी में बुलाते वो नहीं जाते, पार्टी में बुलाते नहीं जाते, बाजारों में नहीं दिखते, क्यों? उनने अपने आप को अलग कर लिया। यदि हम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं तो हमें संसार से आउट कर लेना। यदि आपका अपनी बहन से प्राण बंधन है, आपका अपने भाई से प्राण बंधन है, आपका अपने फ्रेंड सर्कल से प्राण बंधन, अपनी बहन से अलग हो जाओ फैमिली को बचाने के, उनकी भलाई के लिए अलग हो। जब एक बच्चे को स्कूल में डालते हैं पेरेंट्स अलग होते, क्यों? पेरेंट्स साथ में नहीं, अगर बार बार पेरेंट उनके साथ बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए अगर आपके बहन से प्राण बंधन है अलग हो जाए, भाई से प्राण बंधन है अलग, रिश्तेदार से प्राण बंधन अलग, वो क्यों? उनकी भलाई के लिए, ताकि आप उनका उद्धार करा। परमेश्वर के द्वारा नूह अपने रिलेशन सबसे अलग था, तब उसने अपनी फैमिली का, अपने सबका उद्धार कराया और वो बचा, उसकी फैमिली बच गई। यदि हम बचेंगे तो हमारी फैमिली बच जाएगी। आप नहीं चाहते आपका पति बचे, आप नहीं चाहते आपकी बहनें बचे, आप नहीं चाहते आपके भाई बचे, आप नहीं चाहते आपका रिश्ता, तो अलग हो जाए। वो बोलेंगे आप बात नहीं करते, आप पता उसका राज। आप अलग होगे तो आपकी फैमिली बचेगी, आप अलग होगे आपका घराना बचेगा। वापस निकालिए पहला पत्रस उसका 3:20 पढ़ दीजिए। जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा, धीरज परमेश्वर वेट कर रहे, इंतजार कर रहे थे कि बात मान ले, धीरज धर रहा है, लेकिन हम फिर भी परमेश्वर की बात नहीं मान रहे, फिर भी नहीं कर, परमेश्वर वेट कर रहा, अब तो मान ले, अब तो मान ले, अब तो अपनी बहनों से, अब तो अपने भाइयों से, अब तो अपने रिश्तेदार से अलग हो जा, अब तो कट हो जा। काफी लोगों का क्वेश्चन है, मेरा पति उद्धार क्यों नहीं पा रहा, मेरी पत्नी, मैं आज आपको बोल पूछते ना मेरे से, आज मेरा क्वेश्चन है। कितने बहनों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, है ना? लेकिन आज होली स्पिरिट बोल रहा है तो मैं आपको बोल रही हूँ। कितने बहनों का क्वेश्चन है कि मेरा पति उद्धार नहीं पा रहा है, उनका ये जवाब है, मैं जवाब दूंगी आज। कितने लोगों का ये क्वेश्चन है, मेरी फैमिली उद्धार नहीं पा रही, मेरी बहन, मेरी मम्मी, तो आज आपको सुन लीजिए, आपको अपने फैमिली से अलग होना। मैं ये नहीं बोल रही आप उनकी हेल्प कर सकते, आप उनकी मदद, लेकिन ज्यादा जब कुछ काम आए, हम प्रार्थना में है, हम वचन में है, हम चर्च में है। जब संडे मैरिज आए मना कर देना, जब मंडे किसी का रिश्ता करने की जाए लाइव हो मना कर देना। आपको दिखाना है उनको कि मैं वचन में रहती हूँ, मैं प्रार्थना में रहती हूँ, वो ऑटोमेटिक आप बच जाएंगे। वचन ज्यादा पढ़ने से प्रार्थना, आपकी फैमिली, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार बच जाएंगे। यहाँ पे पहला पत्रस क्या लिखा है, पढ़िए धीमे धीमे वापस से। जिन्होंने उस बीते समय में परमेश्वर के ऑर्डर नहीं माना, परमेश्वर ने जो ऑर्डर बोला था, परमेश्वर ने जो आज्ञा बोली थी, वो आज्ञा को नहीं माना। जब परमेश्वर नूह के दिनों में, आज परमेश्वर वेट कर रहा है सुधर जा, आज परमेश्वर वेट कर रहा है सुधर जा। देख बहन मत कर, देख बहन मत कर, अपनी बहनों को बार बार मत समझा, अपने भाइयों को बार बार मत समझा, अपने फ्रेंड्स को बार बार मत समझा। आपके समझाने से वो उद्धार नहीं पाएंगे, आपके फोन कॉल से बार बार वो उद्धार नहीं पाएंगे, आपको घर जाके समझाने वो उद्धार नहीं पाएंगे, लेकिन आप परमेश्वर में बने रहेंगे, आप वचन में चलेंगे, आप प्रार्थना में चलेंगे, आप यीशु के साथ चलेंगे, आप जहाज में होगे, आप जहाज में होगे, आप अनुग्रह में होगे, आप ग्रेस में होगे। मैं बोलूंगी आपका घराना उद्धार पाएगा, इसी साल इसी वक्त आप बच जाएंगे, आपका घराना बचेगा, आप बच जाएंगे, आपका घराना बच जाएगा। हाँ पढ़िए, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर के ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठ कर अब परमेश्वर बोल रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो बन रहा है, तू तैयार हो रहा है, मैं तुझको तैयार करना चाहता हूँ, लेकिन लोग तैयार नहीं होना चाहते, लोग रेडी होना नहीं चाहते। हाँ, जिसमें बैठकर परमेश्वर बिठाना चाहता है, परमेश्वर में अगवाही करना चाहता है, आज परमेश्वर बिठाना चाहता है जहाज के अंदर। जहाज क्या है? जहाज मसीह है। जहाज क्या है? जहाज देह है। जहाज क्या है? जहाज कलीसिया। क्या जहाज में नहीं बैठना चाहते? कितने लोग जहाज में नहीं बैठना चाहते? अगर आप जहाज में बैठना चाहेंगे, आपको अपनी फैमिली से अलग, आपको अपने परिवार से अलग, आपको अपने भाई से अलग, आपको अपनी पत्नी, आपको अपनी फैमिली से अलग जाना है, आपको अपनी बहन से अलग जाना है। यदि आज सच में आप अपनी फैमिली का उद्धार, यदि सच में आपके अंदर बोझ है, आपको अलग जाना है। अगर एक बच्चे को हम पिटाई नहीं करेंगे, वो पढ़ाई नहीं करेगा। अगर एक बच्चे को, मेरे बेटा है, मेरा खुद का बेटा है, देखो दो तरह के बच्चे होते हैं। एक फैमिली में जो बच्चे लोग हैं, पेरेंट्स नहीं मारते उनको, क्यों नहीं मारते? अगर वचन कहता है अगर छड़ी नहीं उठाए तो वो नहीं सुधरेगा, वो तुम उसके बैरी हो, तुम उसके दुश्मन हो। तो मैं बोलूंगी, अगर परमेश्वर आपको बोल रहा है कुछ समय अपने बहनों से नहीं बात करो, कुछ समय अपने भाइयों से नहीं बात करो, तो क्या होगा?
हम उन्हीं की आशीष का कारण है, उन्हीं को ब्लेसिंग मिलेगी। मैं आपको बोलूंगी जब उद्धार पाएंगे आपकी गवाही होगी। मैं क्यों बात नहीं कर रही थी, मैं क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही थी कि तुम उद्धार पाओ। हमारे समझाने से उद्धार नहीं, पर वहां पे नूह ने नहीं समझाया, वहां पे नूह ने नहीं समझाया। हालेलुया। वहां पे भी जब प्रेतों के काम 16 उसके 31 में उसने नहीं समझाया, वो तो वर्शिप कर रहे थे, वो तो आराधना। अगर आपको लगता है तो आराधना से स्टार्ट करें, अब वर्शिप से स्टार्ट करें। क्या लिखा है पढ़िए धीमे में। जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर के ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठ के थोड़े लोग अर्थात आठ प्राणी पानी के द्वारा बच गए। पानी किसको दिखाता है? ये पानी इसको दिखाता है कि आपकी फैमिली को परमेश्वर बत्तीसवां देना चाहता है, वो होली स्पिरिट का बत्तीसवां, वो पवित्र आत्मा का बत्तीसवां। ये पानी बत्तीसवें को दिखाता है। किसको दिखाता है ये पानी? बत्तीसवें को दिखाता है। एक नया पानी, एक नया जीवन दिखाता है। हम पुराने जीवन को छोड़ के, हम पुराने मनुष्य को छोड़ के उस जहाज में जाएंगे। एक नया नेचर, एक नया स्वभाव हमारे जीवन में आएगा, क्योंकि पानी बत्तीसवें को दिखाता है। पानी होली स्पिरिट को दिखाता है। आपने सुना, आपने बत्तीसवां नहीं तो आपने पानी से ही लिया। हालेलुया। बात समझ में आ गई। ऊपर से पढ़िए धीमे धीमे करके। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी उसकी फैमिली उद्धार नहीं पाएगी, उसका घराना उद्धार नहीं पाएगा, उसका चर्च उद्धार नहीं पाएगा। आप लोग कितनी बार सोचते ना, मैन ऑफ गॉड, जब हम कोई बात हो जाती है उनको फोन नहीं लगाते। वो चाहते हैं आप बात करें, वो चाहते आप सुधरे। वो तो सुधरे हुए, वो तो बचे हुए है, वो चाहते कलीसिया बचे। कि अरे यार हमें फोन नहीं लगाते, आपको सिखाते कि आप झुको, आप उठो। बात नहीं माने आपको कुछ समय के लिए। मैं नहीं बोल रही हमेशा के लिए अपने भाई से अलग रहो। अगर आपका भाई का उद्धार करना चाहते हैं, कुछ समय के लिए बात करो। कैसे? नॉर्मल बात करना और उनके लिए प्रार्थना ज्यादा करना। वो आपको बात बताएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। हालेलुया। तो कुछ समय के लिए भाई से अलग हो, कुछ समय के लिए बहनों से अलग हो, कि आपकी बहन उद्धार पाए, सही तरीके से मसीह में चले। आप जो भी रिलेशन है वो उसका टूटे, तो कुछ समय के लिए। और आपकी ये गवाही होगी कि मैं विश्वास करी, मैं और मेरा घराना। कितने लोगों ने आपकी गवाही दी? हालेलुया। हाँ, अब इसको पूरा पढ़ लीजिए, हम फिनिश करेंगे। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी। अगर आप आज्ञा नहीं मानेंगे तो हाँ पढ़िए। जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर के ठहरा रहा, धीरज धर के वेट करता रहा, और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग स्वर्ग जाएंगे। लिखा है वचन में थोड़े लोग जाएंगे, क्योंकि आप चाहते हो आपका फैमिली नहीं बचे, आप ही जाए। आपको नहीं पता आपकी वाइफ काम करी, आपका पति उठा ले जाएगा। आपको नहीं पता आपकी पत्नी काम करी, आपका पति उठा ले। आपको नहीं पता आपकी बहन काम करी, एक बहन उठा ली जाएगी, क्योंकि यदि वो विश्वास करती। यदि आप चाहते हो आपकी बहन को बचाना, आप चाहते हो अपने भाई को, आप चाहते हो रिश्तेदार को, तो उनसे अलग रहेगा। अंकुर नौजी अपनी फैमिली से अलग रहेगा। जितने भी खुदा के जैसे वो लोग अलग रहे, क्यों? उनकी फैमिली को। आज उनकी मम्मी प्रभु में, उनकी मम्मी सबसे ज्यादा विरोधी थी, उनके पापा विरोधी थे, उनके रिश्तेदार उनसे विरोधी थे, लेकिन आज सब उनका नंबर मांगते हैं, सब उनसे बात करना। क्यों? आज हमें अपनी फैमिली से अलग होना। हमारी फैमिली हमें डिसअपॉइंट करती है, हमारी फैमिली में जो बातें चलती है वो चलती है, लेकिन मैं सबको बोलना चाहती हूँ। मेरी शादी होने वाली थी, जब मैंने गॉड से, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं जानती, क्या पता परमेश्वर ने मुझे बोला हाँ बोलो, मैंने हाँ बोल दी। और तुम आज मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने उन सारे लोगों से ज्यादा मुझे ब्लेस करा है, सारे लोगों से ज्यादा मुझे परमेश्वर ने आशीषित करा है। हालेलुया। यदि परमेश्वर का फेवर है तो आप ब्लेस दें, परमेश्वर को ऑर्डर को पूरा करते आप ब्लेस दें। हालेलुया। पढ़िए आखिरी का वो पूरा। जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात आठ प्राणी। ये आठ प्राणी कौन थे? ये आठ प्राणी नूह था, नूह के बेटे थे तीनों, नूह की बहुएं थी। ये आठ प्राणी परमेश्वर ने नूह को बचाया, साथ में उसकी फैमिली को बचाया। हालेलुया। इसी वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे। कितने लोगों को ये वचन समझ में आया? हालेलुया।